क्या बात। सरप्राइजिंगली आज बहुत कुछ क्रेजी हुआ है। बूम ने एक ही टाइम पे 2 लीक्स पोस्ट कर दी हैं। बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ है कि एक ही टाइम पे 2 लीक्स मिले हैं और जब भी ऐसा होता है तो कुछ क्रेजी होता है। और बूम ऐसा इसलिए करता है कि वो एपिसोड के बारे में बहुत ज्यादा हाइप्ड होता है और एपिसोड जल्दी रिलीज करना चाहता है। ये हमें फिर एपिसोड की रिलीज डेट पे ले आता है। इससे पहले कि हम लीक्स और रिलीज डेट को डिस्कस करें, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले हमें एक लीक मिला, लेकिन वो मेट स्टोर पे नहीं था। इसका मतलब कि वो एक ट्रोल लीक था। इसके बाद एक्चुअली हमें बूम की तरफ से कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली, जिसमें बूम ने बताया कि एपिसोड 72 सेकंड पार्ट 3 मिनट से भी ज्यादा तक का होगा और टाइटन्स के नए और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे जो हमने पहले कभी नहीं देखे होंगे। उसके बाद बताया कि ये एपिसोड मार्च के एंड या 1 अप्रैल को रिलीज हो जाएगी, लेकिन अभी तक रिलीज नहीं की गई। लेकिन आज मेट स्टोर पे लीक्स देखने के बाद लगता है कि एपिसोड जल्द रिलीज होने वाली है। अब बात करते हैं उन लीक्स की जो हमने मेट स्टोर पे देखी। पहली पोस्ट जो हम देख रहे हैं वो एस्ट्रो टॉयलेट की एक इमेज है। एस्ट्रो लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंट, जैसा कि हमने एपिसोड 72 के 1st पार्ट की एंडिंग में देखा था। लेकिन हम स्क्रीन की राइट साइड पे एक लेजर देख सकते हैं और इसमें कुछ डिफरेंट है जी-मैन की लेजर की तरह, बट इसमें एक ऑरेंज टिंट कलर है और ये सिर्फ रेंडरिंग की वजह से हो सकता है, जिसे हम एपिसोड के रिलीज होने पे देख सकते हैं। मेरे अंदाजे के मुताबिक ये स्क्रीनशॉट कब लिया होगा, इसके 2 ऑप्शन हैं। पहला ये कि बैटल के स्टार्ट में या फिर नए स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के पहुंचने के बाद, बट इट इज वेरी क्लियर कि आखिरी लीक के अकॉर्डिंग ये दोनों लीक इस बैटल को हाइप करने के लिए हैं। अब अगर हम दूसरी लीक की तरफ बढ़ते हैं तो ये जी-मैन के बारे में है। अगर ये दोनों सीन्स एक ही टाइम पे लिए गए हैं तो इसका मतलब है कि ये बैटल के स्टार्ट में है, क्योंकि दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन अगर जी-मैन को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि ये एक टाइम पे या 1st पार्ट के एंड पे नहीं है, क्योंकि जी-मैन ने ग्लासेस नहीं लगाए हुए और इसकी आंखें चमक रही हैं। हो सकता है कि जी-मैन के सनग्लासेस खींचने की कोई वजह हो। ही लुकिंग क्रेजी, बट अपने नॉर्मल एक्सप्रेशन के मुकाबले में वो बहुत सीरियस लग रहा है। इन सब लीक्स को देखने के बाद मैं कहता हूँ कि वो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एस्ट्रो टॉयलेट की तरफ से नहीं है। ऐसा लगता है कि जी-मैन टॉयलेट ये बैटल जीतेगा। अगर आप पहले का सोचते हैं तो जी-मैन हमेशा हारता है, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट था और स्टूपिड तरीके से काम कर रहा था, और यहाँ इन दोनों लीक्स में देख सकते हैं। और अगर हम कैरेक्टर की अपग्रेडेशन के हिसाब से देखें तो इसके लिए 1 वर्सेस 1 फाइट जीतना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, लेकिन नए स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स और जी-मैन की गद्दारी का हिसाब भी बाकी है। सो ओवरऑल रिजल्ट जी-मैन के हारने के साथ खत्म हो सकता है। एपिसोड 72 का 2nd पार्ट 3 मिनट का है। श्योरली बहुत सारा क्रेजी कंटेंट देखने को मिलने वाला है। आपके बारे नहीं जानता पर मैं इस एपिसोड से बहुत खुश हूँ। अगर आप भी हैं तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि एपिसोड के आने पे आपको एक डिटेल वीडियो देखने को मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स करो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।